जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। समारोह में स्वर्ण पदक विजेता और खेल रत्न अवनी लेखरा, कांस्य पदक विजेता और अर्जुन अवाड़ी सुंदर सिंह गुजर और कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल सचिव और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया ने भी समारोह में शोभा बढ़ाई। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद सैनी ने की। मौके पर पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जनता दरबार से खास बातचीत की। पेरिस ओलंपिक के मेडलिस्ट इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें मोना जी हमारे साथ हैं। मैम, आपने पेरिस पैरालंपिक में भारत का मान बढ़ाया है। जो हमारे जो नॉर्मल जो एथलीट हैं, जो एकदम बॉडी से हर तरीके से सही हैं, वो इतने मेडल नहीं जीत पाए जो आप लोगों ने जीत के दिखा दिए, कैसा लगता है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि डिसेबिलिटी जो है वो इंसान की फिज़िकल नहीं होकर मेंटली होती है। तो शायद भगवान ने हमें जो फिज़िकल एक वीकनेस दी है, उसके बदले में मेंटली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, और उसी का नतीजा है कि एबल वालों से ज़्यादा जो है पैरा वाले मेडल्स लेकर आ सके हैं। ये आपने मैम एक बहुत अच्छी बात कही कि एबल से ज़्यादा डिसेबल लोग अपनी मेंटल एबिलिटी के बल पे जीत कर आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, हमारे दर्शकों को बताने। सर, मैं राइफल शूटिंग खेलती हूँ जी, 10 मीटर 50 मीटर दोनों खेलती हूँ। मेरा मेडल जो है वो 10 मीटर के अंदर है। अब जैसे अभी देवेंद्र सर ने बताया था कि 2028 में शायद वापस से पैरालंपिक होने वाले हैं, तो उसको लेके क्या कुछ तैयारियाँ आपकी चल रही हैं? सर, इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आगे मुझे अपने मेडल का कलर चेंज करना है, तो उसकी तैयारियां बस हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकूं और मेडल लेकर आ सकूं। राजस्थान से आप आते हैं और देश के लिए आप खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है राज्य का तो मान बढ़ता ही है, तो राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से क्या कुछ आशाएँ आकांक्षाएँ हैं आपकी? सर, अभी पीछे मैंने मार्च 2024 में कोटा जीता था पैरालंपिक का, उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि टॉप्स मिल जाएगा, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रही थी, ओलंपिक गई मैं, उस समय तक मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सका था। लेकिन अब मेडल आने के बाद में मुझे पूरा यकीन है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे स्टेट गवर्नमेंट से और जो भी इस तरह से खिलाड़ी को मिलना चाहिए, इस लेवल के खिलाड़ी को, और 2028 की प्रिपरेशन के लिए जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए वो मुझे ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। ये थे मोना जी, और हमारे साथ आपको बता दें कि गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अवनी जी, देश का मान आप लगातार आप बढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ इस पैरालंपिक में बल्कि पहले वाले में भी, और अब 2028 के लिए भी आप अभी से प्रिपेयर्ड लग रही हैं, क्या कहना चाहें? अभी तो 4 साल हैं, अभी तो मेरा रेस्ट और रिकवरी पीरियड ही चल रहा है, बट होपफुली कोशिश यही रहेगी कि आगे वाले कॉम्पिटिशन जो अगले साल वर्ल्ड कप से, वहाँ से शुरू करूँगी मैं वापस अपनी नेक्स्ट पैरालंपिक साइकिल, और कोशिश यही रहेगी कि मल्टीपल मेडल्स जीतूँ कंट्री के लिए। अभी जो हमने आप लोगों का प्रदर्शन देखा, और जो अभी मोना जी से भी हमने बात करी थी कि जो एबल्ड जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाते जिस हिसाब से डिसेबल्ड आप लोग कर लेते हैं, तो क्या आप मानते हैं इसके पीछे एक बड़ा कारण? आई थिंक हर एथलीट अपना बेस्ट देता है और वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, ट्रेनिंग में भी, मैचेस में भी। समटाइम्स इट्स अबाउट लक, समटाइम्स हो सकता है कि कुछ मेहनत की कमी रह गई हो, पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा बेटर कर रहा है या कोई कम बेटर कर रहा है। आई थिंक दोनों पैरालंपिक्स एंड ओलंपिक एथलीट्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले खेलों के लिए क्या कुछ आप चाहते हैं जो अभी तक शायद नहीं है लेकिन होना चाहिए? आई थिंक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे पहले है कि हर जगह व्हीलचेयर एक्सेसिबल, यू नो, रेंज हो, अकेडमीज हो, स्पेशली जहाँ पर वॉशरूम्स एक्सेसिबल हो और सब लोग जा पाएँ, चाहे व्हीलचेयर एथलीट्स हों, चाहे ब्लाइंड एथलीट्स हों। जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है, अगर वो एक्सेसिबल होगा तो सब लोग धीरे धीरे और ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा स्पोर्ट्स में। जी, एक लास्ट सवाल बस ये है कि आपका जो स्पोर्ट्स है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो हर कोई शायद उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो इस स्पोर्ट्स में आए तो उसे क्या करना चाहिए?
आई थिंक जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने भी जब शुरुआत करी थी तो मैंने भी रेंटेड राइफल से शुरुआत करी थी, और मैं बाकी जो भी एक्सेसरीज होती है, मैंने मेरा पहला मैच तो बिना किट, बिना ग्लव्स, बिना किसी मेजर एक्सेसरी के खेला था। मैं सिर्फ राइफल लेकर गई थी, वो भी किसी और की, और मैंने उसमें एबल बॉडीड एथलीट के साथ कम्पीट करके गोल्ड मेडल जीता था। तो आई थिंक आपको शुरू करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट आपको सूट करता है, कौन सा स्पोर्ट नहीं सूट करता, और आप धीरे धीरे मेहनत करते हैं तो आपके लिए रास्ता अपने आप बनता जाता है। और एक बार मेडल आते हैं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बढ़ता है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मेडल में जो प्राइज मनी मिलती है उनसे, और इन सबसे और ज़्यादा जितना ये अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसान का मोटिवेशन और बढ़ता है। थैंक यू। देवेंद्र जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। देवेंद्र जी, इस पैरालंपिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमारे भारत के एथलीट्स करा, जैसा आपने बताया कि जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मेडल्स लेकर आए, और शायद इसी वजह से आपने 2028 के लिए भी एक लक्ष्य आपने तैयार कर लिया है, क्या कहना? देखिए, ये जो पेरिस पैरालंपिक है, पेरिस पैरालंपिक के बाद दुनिया ने भारत को स्पोर्टिंग कंट्री माना है। जहाँ 200 देश का पार्टिसिपेशन हो वहाँ आप 18वें नंबर पे आते हो। ये विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा, जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, उसमें पैरा खिलाड़ी उन्हें सबसे ऊंचाई पे सीढ़ी पे गए हैं। हमारे काम के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी थी, मैं यहाँ पीसीआई प्रेजिडेंट, मैंने मेरे बेस्ट करने की कोशिश की। हमारा टारगेट है खिलाड़ियों को बेस्ट से बेस्ट सुविधा दें, साथ में मेंटल स्ट्रेंथ दें। हम आप मेडल टैली तो देखते ही, लेकिन ये देखिए फोर्थ पे कितने रहे हमारे, हमारे 4 या 5 खिलाड़ी मात्र फोर्थ पे रहे हैं, जबकि 13 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमने मेडल कन्वर्ट किए, 5th-4th से हम मेडल कन्वर्ट किए। उसके लिए हर व्यक्ति का एफर्ट था, उसके फिजियो का एफर्ट था, खिलाड़ी का तो था ही था। लेकिन जो लास्ट 10 साल में भारत में जो खेलों पर जो काम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संज्ञान लिया खेलों पर, खिलाड़ी आते हैं, आते उनका वेलकम होता है, और शायद आपने एक सोशल मीडिया पे मेरी बाइट भी देखी होगी। मैंने ये कहा कि जब मैं 2004 के अंदर मेडल जीता तो मेरे को जाकर के 2010 में प्राइज मिला, लेकिन जब पेरिस पैरालंपिक में हमारे सिपाही जीत करके आए, रात को अशोका होटल में रुके, मॉर्निंग में उनको चेक दे करके घर भेजा गया। ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति कितनी समर्पित है। उसी का नतीजा रहा कि जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया, अब इनसे एथलीट निकल के आ रहे हैं, तब भी हमने ये 29 मेडल जीते हैं। हमारे पास, मैंने 25 प्लस का वादा करके गया था यहाँ पे, तो थोड़ी सी कई लोगों ने कहा कि थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए आप। हमारे पास खिलाड़ियों के डाटा थे, हमने उस डाटा पे काम किया कि हमारी ये परफॉर्मेंस रहेगी, हम यहाँ तक जा सकते हैं। मैंने वहाँ पेरिस में मीटिंग ली सभी की, मैंने कहा ये 15 दिन हमारे मिशन है, एक का भी फोन बंद नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी एथलीट निकलेगा खेल मैदान से, उसके साथ मैनेजर जाएगा, साइड में उसके कोच रहेगा, साइड में फिजियो रहेगा। वो मेंटल स्ट्रेंथ थी हमारी। हमने, हमारा खेल गांव था वो, जो दीपावली पे सजाया गया था, सिर्फ हमारा ही सजा हुआ था, वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ थी। खिलाड़ी देख करके बहुत खुश हो रहे थे। 25 जो मेडल हमने जीते, सेलिब्रेशन पार्टी रखी वहाँ पे, वो हमारा खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस। लास्ट के 4 मेडल जो हमने जीते हैं, वो बिल्कुल हमारे खिलाड़ी में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जीत सकते हैं। हमने दर्शा दिया उनको कि जीतेंगे, हम माहौल ऐसा क्रिएट किया, हम 4 और मेडल जीते और 29 मेडल जीते। जीते हमारे साथ देवेंद्र झाझड़ी और जी, और जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने जो पैरालंपिक के ये जो खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक के जो ये विजेता हैं भारत के, जाहिर सी बात है इनका जोश बहुत ज़्यादा हाई है, और शायद इसी वजह से 2028 के लिए उन्होंने अभी से अपना लक्ष्य तैयार कर लिया है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ बुनियादी सुविधाएं जो अभी इनको नहीं मिल रही है वो भी ये चाहते हैं, ताकि और बेहतर इनका प्रदर्शन हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।